हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में 15 अगस्त के एपिसोड ने सच में लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। जब पुणे की वॉरियर शांता पवार या अज्जी, उन्होंने कोविड-19 के दौरान कैसे उन्होंने सरवाइव किया 85 साल की एज में, ये सब बातें दोस्तों शेयर की। तो अज्जी की सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें कि वो रोड पे खड़ी होकर अपना कला का प्रदर्शन करके अपनी फैमिली को पालने के लिए पैसे इकट्ठे करती हुई दिखाई दी। तो वो दो ऐसे डंडों को ऐसे घुमाते हुए इतनी फास्ट तेज स्पीड से घुमाती हैं कि कोई भी आपके आसपास नहीं फटक पाता और रेगुलर कंटिन्यूसली ये काम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैलेंट तो है ही है, लेकिन 85 साल की एज में। तो ये वीडियो जब वायरल हुई तो सोनू सूद ने, जो कि सोनू सूद आज मतलब कोरोना में सच में एक बहुत ही बड़े हीरो के रूप में बन के उभर के सामने आए, रियल हीरो जो जिसको कहते हैं, तो सोनू सूद ने उनको कांटेक्ट किया और फिर खतरों के खिलाड़ी सीजन जो मेड इन इंडिया में इंडिया है, इसमें उनको अज्जी को बुलाया गया। तो 15 अगस्त को दोस्तों हम सभी ने देखा कि कैसे अज्जी ने ये अब सब बातें शेयर की कि कैसे मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती कोरोना में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनका जिनको खाने की नौबत आ गई थी। तो 85 साल की ये बूढ़ी निकल पड़ी सड़कों पे और अपनी कला का, अपने आर्ट का प्रदर्शन करके उन्होंने पैसे कमाए। तो ये चीज जब सुनाई गई और अज्जी ने अपना परफॉर्म करके दिखाया, तो सच में कंटेस्टेंट के साथ साथ रोहित शेट्टी की आंखों में भी आंसू आ गए दोस्तों। और रोहित शेट्टी ने कहा कि आज के बाद अज्जी, अगले एक साल के लिए तुम्हारा सब खर्चा मैं करूंगा और इसके बदले में आपको करना है कि अपनी, आपका ये जो टैलेंट है ये आसपास के लोगों को सिखाना है और हमारे लिए दुआ करनी है। दोस्तों, ये होता है खूबसूरत इंसान, खूबसूरत दिल, कंपैशनेट हार्ट। तो इस तरह से अज्जी ने हम सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट की, एक उदाहरण सेट की कि उम्र कोई भी हो दोस्तों, लेकिन अगर आप पे आपके हौसले बुलंद हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद दोस्तों।